इस बार अरहर की खेती का बना रहे हैं मन, तो अभी से कुछ बातों का रखें ध्यान, ताकि आपको मिले बंपर गुणवत्ता युक्त उत्पादन, रोग कीटों के कारण ना उठाना पड़े नुकसान। अरहर एक ऐसी दलहन फसल जिसकी एक बार बुवाई आपको 5 साल तक कमाई करा सकती है। सह फसल के रूप में लगाते हैं तो कम लागत खर्चे में दोगुना मुनाफा देगी, लेकिन अगर थोड़ी सी चूक हुई तो एक रोग आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर देगा और लाभ को शून्य कर देगा। इस रोग का नाम है उकठा रोग। क्या है इस रोग के लक्षण, कैसे हो इससे बचाव, समझें और अपनाएं, ताकि आप अरहर की गुणवत्ता युक्त अच्छी पैदावार पाएं। जो रोग लगते हैं उसमें सबसे बड़ा जो रोग भयंकर रोग है वो है उकठा। पौधा में पहले धीरे 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 पत्तियां सूखना शुरू होती हैं और उसके बाद फिर इसकी यहां से तने से लेकर के जड़ों तक बिल्कुल पौधा जो है रोग ग्रसित हो जाता है और रोग ग्रसित होकर के ये पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो एक तो जिस खेत में उकठा लग जाए उस खेत में दूसरी साल फिर अरहर नहीं बोनी चाहिए। अच्छा। नंबर एक। दूसरा यह है कि उकठा से बचने के लिए बीज का उपचार करके ही बोना चाहिए जी। दूसरी जो है अरहर का बांझपन, ये अरहर का एक भयंकर रोग है जी। और बांझ आप जानते हैं, बांझ का मतलब यह कुछ ना पैदा करके दे जी। तो इसमें होता क्या है कि पहले तो पत्तियां एकदम बहुत ज्यादा पत्तियां आती हैं, ये मालूम होता है बड़ी बर्बाद हो रही है। अच्छा। उसके बाद ना तो फूल आते हैं ना फल आते हैं और ना फल आते हैं जी। पौधा देखने में बस सुंदर सुंदर रह जाता है, हमको ना उपज नहीं मिल पाती जी। है तो इसके इस बांझपन का जो है ये भयंकर रोग है। और अभी बांझपन के रोग के लिए किसी रसायन का अभी तक कोई किसी वैज्ञानिक ने आविष्कार नहीं कर पाया है। क्या रोग जो है ये माइट से फैलता है। ध्यान रखें कि हम ऐसी प्रजातियां लें जो माइट से प्रतिरोधी हो, उन प्रजातियों को बोएं। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।